हमारी याद कैसे आ गई? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तशरीफ रखिए। राम राम बख्शी जी। राम राम पांडे जी। राम राम भाई। वाह, आज तो चीन के घर खुश अजमान बता रहे हैं। आइए बैठिए। अरे क्या हो गया पांडे जी? सत श्री अकाल बख्शी भाजी। सत श्री अकाल ढिल्लो साहब। सत श्री अकाल भाई। वाह, आज तो साड़ी याद कितना आ गई। बस जी लंघिया जा रहा सी, मैं क्या बख्शी भाजी मिल चलिए। चलो आओ बैठो। Good afternoon, Mr. Bakshi. Good afternoon, Mr. David. How are you? I am fine. Please take a seat. भाई वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आज तो खूब मजा आएगा। हाउ सुनाइए पांडे जी, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है आपको नहीं पता? क्या चल रहा है? देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे मासूमों को मार रहे हैं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोग कौन सा दूध के दुले हुए हो? कभी गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे मुसलमानों को मारते जा रहे हो। और छोटो बख्शी भाजे नाम को लुकता नू। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों का गुरुआ पीर उत्ते साढ़े सरदारा उत्ते जो कर रहा बड़ा इंसान हो गया। हेलो ये सब लोग भूल चुके ने साडिया कुर्बानियां। हेलो मिस्टर ढिल्लो। क्रिश्चियन क्रिश्चियन को जानता कौन है इस देश में? कोई हाल तक नहीं पूछता। किससे हाल चाल पूछने की बात कर रहे हो डेविड साहब? आपको नहीं पता कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, जिसकी वजह सिर्फ ये लोग हैं। बस करो पांडे जी, बस करो। कश्मीर में अकेले हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मरे। और भूल गए आप गुजरात को? गुजरात में आप लोगों ने अपने धर्म के लोगों के साथ किया गया, उसे आज तक नहीं भुला सके। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? उसी लोग लगता भुल गए जरासी नू, जो तुसी लोगों ने निके निके मासूम बच्चों नू औरतों नू उन्हां दे गला च टायर पा के जिउंदा साड़ता सी। असी अज तक नहीं भुले, साडे ओ जखम अज भी हरे ने। हेलो मिस्टर, क्या आपको पता है कि कैसे एक ही रात में 100 ईसाइयों को बेरहमी से मार दिया गया, जिसका हिसाब हमें आज तक नहीं मिला। अब हम और नहीं सहेंगे। और चुप तो सिंह नहीं रहना। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है? बस करो बस करो। क्यों झगड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? कहीं बना लिया मंदिर, कहीं मस्जिद बना के जाओगे? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे क्या वो दिन आएगा जिस दिन इंसान कहलाओगे? क्यों पांडे जी आप भूल गए सर्वधर्म संभव को? और आप मौलाना साहब कुल हुव अल्लाहु अहद ऐते यू तुसी मानस की जात सब एक है पहचान दो। अते ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गॉड। पर तुम लोगों ने इन ग्रंथों को सही से पढ़ा ही नहीं है। तुम लोगों के दिलों में नफरत भरी पड़ी है और वही नफरत तुम लोगों ने इन मासूम लोगों के दिलों में भरती है। और ये लोग आके होते हैं भी अंधों की तरह तुम लोगों की बातों में आ जाते हैं और तुम्हारी बातों में आके अपने पड़ोसियों से दोस्तों से नफरत करने लग जाते हैं। पर जिस दिन इस नफरत की आग में तुम्हारा कोई अपना चलेगा ना, तुम्हें उस दिन पता लगेगा तुमने कितना कुछ खो दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम शर्मिंदा हैं बख्शी जी। दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है। आओ हम सब दिलों से नफरत मिटा के एक ऐसा जहां बनाए जिस जहां में जहां ना कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, जहां प्रेम की गीता बाइबल और कुरान हो, जहां टीके टोपी पगड़ी से नहीं दिलों से सबकी पहचान हो, मोहब्बत जिसकी पहचान हो, ऐसा एक जहान हो, ऐसा एक जहान हो। थैंक यू वेरी मच। आ देखो कितने सोने लगते ने कट्ठे खड़े, लगते नहीं लगते? पर
एक मेरे वर्गा न्यूज एंकर आता वह कहता मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, ये लोग जवाब देने लग पे